नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद फन का इस एपिसोड में। तो यहाँ पे हम एक साइक्लॉयड को सिमुलेट करना चाहेंगे। तो आपको शायद पता होगा कि साइक्लॉयड क्या चीज़ होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो सपोज आपके पास एक सर्कल है, तो अब क्या होता है ना, सपोज आपके यहाँ पे एक पॉइंट है, सर्कल के ऊपर आपके पास एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट का नाम चलिए मैंने सपोज ए रख लिया। तो ये जब सर्कल घूमेगा ना, ये जब घूमेगा, सपोज मैं यूं मान लेता हूँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इधर, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। जाते वक्त ये प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी कि ये जितना रोल कर रहा है उतना ही ये आगे जा रहा है। प्योर रोलिंग में एक इक्वेशन आप जानते होंगे, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये वाला इक्वेशन वैलिड रहता है। तो ये जब जा रहा है, तब ये जो पॉइंट है, ये एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है। उसी पाथ को, उसी जो ट्रेस है इस पॉइंट का, इस पॉइंट ए का, उसे को हम साइक्लॉयड कहते हैं। आज हम देखेंगे कि रियल लाइफ में साइक्लॉयड दिखता कैसे है। जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ये जो ए पॉइंट है ये नीचे जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर पूरा जब 360 डिग्री घूम जाएगा ये वाला सर्कल, तब ये पॉइंट फिर से अपने इस स्थान पर आ जाएगा, और जो इस पॉइंट का जो लोकस बनेगा उसी को हम कहते हैं साइक्लॉयड। इस जानकारी के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से चलिए हम आ जाते हैं इसका सिमुलेशन में।